हाय गाइस, आई होप सब लोग ठीक होंगे। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी। कैंपिंग आने के बाद हम सब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे और फिर मेरी हॉलीडेज ख़त्म हो गई, काम पे मैं वापस चली गई हूँ। तो वीकडेज में तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बट वीकेंड भी मतलब सब कुछ अब मुझे मैनेज करना पड़ता है। वीकडेज की तैयारी करनी पड़ती है वीकेंड पे, तो टाइम की काफ़ी प्रॉब्लम है। बट फिर भी मैंने सोचा है कि होपफुली मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 ब्लॉग्स जो है वो निकाल दूं। तो होपफुली आई विल सी हाउ आई विल गो, बट दिस वीकेंड सिर्फ एक ही ब्लॉग आ पाएगा क्योंकि काफ़ी बिजी वीकेंड था हमारा। तो अभी मैं केमार्ट जा रही हूँ, रूही को घर पे ही छोड़ दिया है। रूही काफ़ी रो रही थी अभी जब मैं निकली, बट इट्स ओके, मुझे केमार्ट से कुछ सामान लेना है। तो केमार्ट यहाँ पे जो है वो काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, क्लोथ्स, बर्तन, सब कुछ। तो अभी बस मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। अभी मेरे साथ जो है एक बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो गया। मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आ ही रही थी, रास्ते में मुझे याद आया कि मैं अपना फ़ोन तो चेक कर लूँ, मैंने कार्ड लिया है या नहीं लिया है। और मैंने जब फ़ोन चेक किया तो उसमें मतलब मेरा कार्ड ही नहीं था, मेरे पास एक पर्सनल कार्ड भी रहता है वो भी नहीं था। एक्चुअली रूही जो है मेरे कार्ड्स निकालती रहती है, तो उसने पता नहीं अब घर में कहाँ पर फेंक दिया। तो मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। थैंक गॉड मैं शॉपिंग मॉल में नहीं गई, मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, क्योंकि ख़रीदने के बाद वहाँ कितना वो एम्बैरेसिंग होता कि आपके पास पैसे ही नहीं है। तभी मैं वापस जा रही हूँ वहाँ से कार्ड लेकर। कार्ड ले लिया है, अब चलते हैं, पेट्रोल भी भराना पड़ेगा, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, उसके बाद केमार्ट निकलते हैं। अब केमार्ट पहुँच गई हूँ और शॉपिंग सेंटर बंद हो गया है, पर केमार्ट जो है वो रात के 10 बजे खुला होता है। अभी 8 बजे हुए हैं, यहाँ पे आजकल 8:30 तक दिन रहता है, तो गर्मियाँ काफ़ी सही रहती हैं यहाँ पे, काफ़ी टाइम तक डे लाइट सेविंग होती है। ये केमार्ट की एंट्रेंस पे चेक इन करना जो है बहुत ही कंपलसरी है, जो भी जहाँ पे भी जिस भी शॉपिंग सेंटर में आप जाते हो तो चेक इन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारा जो है यूटेंसिल्स या कोई भी इक्विपमेंट्स है उनका कॉर्नर है। यहाँ पे जो है वो स्टोरेज एंड लॉन्ड्री का कॉर्नर है। तो केमार्ट में बेसिकली आपको सब कुछ मिल जाता है ग्रॉसरी के अलावा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और ये रात के 10 o'clock तक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, खुला होता है, तो विच इज़ ग्रेट। सारी वुमेन क्लोथिंग की साइड है। तो केमार्ट से शॉपिंग ख़त्म हो गई है, अब देखती हूँ प्राइस लाइन की शॉप खुली होगी फार्मेसी की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 8:30 बजने वाले हैं रात के, तभी देखना पड़ेगा। हे गाइस, फार्मेसी तो बंद थी, बट थैंक गॉड वूलवर्थ्स में चेक किया तो वहाँ मुझे टैबलेट्स मिल गई। तो यहाँ थैंक गॉड मतलब फ्रेंचाइजेस का ये एडवांटेज है कि काफ़ी देर तक खुली रहती हैं, तो सब कुछ मिल ही जाता है। तो अभी मैं वापस पहुँच रही हूँ और आते ही चिकन बना रही हूँ अभी मैं। ये देख सकते हैं मेरा मसाला पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे गार्लिक ऐड कर रही है। अभी थोड़ा सा ही लाइट ब्राउन होगा तो मैं अपना मसाला ऐड करूँगी। मैं गार्लिक को जो है कई लोग डार्क ब्राउन करते हैं, पर मैं थोड़ा हल्का ब्राउन ही रखती हूँ, इसको ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, मुझे थोड़ा वो कच्चा कच्चा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। गार्लिक जो है यहाँ पे हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा मसाला ऐड कर दूँगी। तो 1 kg चिकन है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंगली जितना मतलब मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए करी की, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं मसाला जो है ऐड करूँगी। तो इसको 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे, जितना क्वान्टिटी है आपकी सब्जी की उसके अकॉर्डिंगली। थोड़ी सी हमने हल्दी ऐड करूँगी और हल्का सा हमारे पास यहाँ गरम मसाला है वो ऐड करेंगे। अब इसमें इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो
बर्तन को थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और हम इसको थोड़ी सी स्टीम में लगा देंगे। फिर हमारे यहाँ पहाड़ी में बोलते हैं गाढ़ा लगाते हैं, तो ये हल्का सा हमने पानी ऐड करके इसमें और स्टीम लगवाने के बाद हम इसको गाढ़ा लगवाएंगे। हमने इसको स्टीम लगवा ली और उसके बाद स्टीम लगवाने के बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट तक पका लिया है। अब ये जो सारा पानी है हमें सारा सुखाना है, तो हम इसको कहते हैं कि राड़ा लगा रहे हैं। पानी सारा सुखा के फिर अच्छे से इसको राड़ा लगा के फिर चिकन हमारा तैयार हो जाएगा। अभी भी पानी थोड़ा बचा हुआ है, सूख ही रहा है। अभी चिकन से जो है वो तेज छूट गया है, इट मीन्स ये अच्छे से इसको राड़ा लग गया है। अब अगर तो आपने चावल के साथ खाना है तो अच्छे से मतलब जितना आपको पानी चाहिए आप ऐड कर सकते हो, बट जैसे कि हम चपातियों के साथ खाएंगे तो मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली। और बस अभी ये रेडी है। रात हो गई है और अब हम बस सोने ही जा रहे हैं। रूही अपना यहाँ पे दूध पीते हुए सोने से पहले उठ गई। ओह उठ गई, बस हो गया इसका क्या कर रहा बेटा। तो आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। होपफुली अगले हफ्ते मैं 2 से 3 ब्लॉग निकाल सकूं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। See you. Bye-bye.